The attractive फोर्स विच इज फॉर्म बिटवीन टू atoms बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो ऐटम्स के दरम्यान बनती है जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल या इक्वल शेयरिंग हो रही हो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जबकि उसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो कि म्यूचुअली शेयर हो चुके हैं ये कॉमन प्रॉपर्टी बन गए हैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स की और इनके दरम्यान में एक कोवलेंट बॉन्ड जो है एस्टैब्लिश हो गया इसकी तीन टाइप्स हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द फर्स्ट टाइप म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बैलेंस शेल में सात सात इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी सो इन्होंने शेयर करते हुए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया डबल कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं सो दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के रिजल्ट में कॉमनली उन्होंने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो चार इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाया इसी तरीके से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अगर एक कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है और डबल चार से तो ट्रिपल छः इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग के रिजल्ट में बनेगा और तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम प्रोवाइड करेगा फॉर द शेयरिंग नाइट्रोजन वैलेंस शेल में पाँच इलेक्ट्रॉन्स से सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको तीन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी सो so, उन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की कंडीशंस क्या होंगी कोवलेंट बॉन्ड की वो कौन कौन सी शरायत है नंबर वन अलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन वन पॉइंट सेवन अगर वन पॉइंट सेवन से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क कम है तो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड है इट इज फॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेडस दो नॉन मेड्स के दरमियान में बनने वाला पॉसिबल जो बॉन्ड होगा वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो या इवन